वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं शाज़ेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स का रिव्यू। ये दोस्तों एसर की तरफ से आने वाले यूएसबी हब। एक है हमारे पास 5-in-1 यूएसबी 3.0 हब, दूसरा है 7-in-1 यूएसबी सी हब। अगर आपके पास भी लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर मैकबुक्स वगैरह हैं तो उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। बहुत सारे पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के ऑप्शंस यहां पर मिल जाते हैं। अगर आपको मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं तो डेफिनेटली आप इन प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो के अंदर डिटेल में चेकआउट करेंगे इनके फीचर्स को, तो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस हम लोग बनाते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये दोस्तों हमारे पास दो प्रोडक्ट्स एसर की तरफ से, एक है 7-in-1 यूएसबी सी हब और दूसरा है 5-in-1 यूएसबी 3.0 हब। तो पहले इसको चेकआउट करते हैं। बैक साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन भी मेंशन है, acergadget.com है। सो लेट्स ओपन इट। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं और काफी कॉम्पैक्ट ही आपको पैकेजिंग में मिलेगा। तो सबसे ऊपर यहाँ पर आ जाती है एक वारंटी कार्ड। बॉक्स के अंदर दोस्तों एक चीज रह गई थी, वो है यूजर मैनुअल। तो ये यूजर मैनुअल है, इसको आप देख सकते हैं, सारे स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर अंदर मेंशन्ड है। सो आते हैं अपने यूएसबी हब के ऊपर और बॉक्स के अंदर कुछ नहीं मिलेगा, तो ये एक पैकिंग है, इसको निकाल लीजिए। सो यहाँ पे दोस्तों सामने की तरफ मेंशन्ड है इस यूएसबी हब के ऊपर एसर, और ये मैट फिनिश में आता है। काफी छोटा सा ये हब लग रहा है। बाकी केबल के ऊपर अगर आप नजर डालें तो इसकी लेंथ काफी बड़ी है। ये बढ़िया चीज लगी भाई। सो ये है इसकी लेंथ और ये आपको मिलेगा USB 3.0 के पोर्ट के साथ। ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है इसकी वो काफी बढ़िया लगी देखने में। देन दोस्तों जो हमारा मेन प्रोडक्ट नेक्स्ट आता है वो है 7-in-1 USB C हब। डिफरेंस ये कि यहाँ पे टाइप सी की कनेक्टिविटी आपको मिलती है, 5-in-1 में आपको USB 3.0 की कनेक्टिविटी मिलती थी। बाकी बैक साइड में देखेंगे तो सारे स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर मेंशन है, कंपेटिबिलिटी, मटेरियल, सारी चीजें यहाँ पर लिखी है। तो चलिए इस बॉक्स को भी ओपन कर लेते हैं, यहाँ से इसको निकालेंगे। सो लेट्स ओपन दिस। तो ओपन कर लेते हैं। सबसे अंदर आपको मिलेगा ये वारंटी का QR कोड, देन ये वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल। तो यहाँ से निकाल लेते हैं USB-C हब को, और ये दोस्तों थोड़ा सा बड़ा लग रहा है उसके कंपैरिजन में। सो दिस इज एसर USB-C हब। ये दोस्तों आपको ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है और इसको एल्यूमिनियम शेल के मटेरियल से बनाया गया है। यहाँ पे आपको मैट फिनिश भी मिल जाती है। ओवरऑल ये भी काफी प्रीमियम है। 5-in-1 वाला जो हब था दोस्तों वो हमारा प्लास्टिक बिल्ड के साथ आ रहा था, और ये जो 7-in-1 USB-C हब है ये एल्यूमिनियम के मटेरियल के साथ आता है, और ये डिफरेंस आपको क्लियरली दिखाई भी दे जाता है। अगर आप 5-in-1 USB 3.0 के हब को देखते हैं तो यहाँ पे आपको 4 USB के पोर्ट मिल रहे हैं। अब ये जो USB के पोर्ट हैं ये 3.0 के पोर्ट हैं, जो कि 5 Gbps के डेटा ट्रांसफर के सपोर्ट के साथ आते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये हाई स्पीड पोर्ट्स दिए गए हैं। अब इसको कनेक्ट करने के लिए आपको टाइप ए की कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो आप इसको अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा पेन ड्राइव कनेक्ट करनी है, हार्ड डिस्क कनेक्ट करनी है या फिर कीबोर्ड माउस वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं आप, फिर चाहे वो डेस्कटॉप है या फिर लैपटॉप है, तो इजिली कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको एक टाइप सी का पोर्ट भी दिखाई दे रहा है। अब ये इनपुट का पोर्ट है जो कि 5 वोल्ट की पावर को सपोर्ट करता है। इस पोर्ट को यूज करके आप डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, जस्ट अगर आपको पावर वगैरह देनी है अपने डिवाइस को तो आप यहां से दे सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी अच्छी लगी और ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट भी है। आजकल जो मॉडर्न लैपटॉप्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा स्लिम होते जा रहे हैं, कुछ स्लिम लैपटॉप्स आते हैं उनमें ज्यादा पोर्ट्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई नोटबुक या फिर लैपटॉप है जहां पे पोर्ट्स की कमी है, तो उसके लिए आप इस एसर के 5-in-1 USB 3.0 के हब को देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 7-in-1 USB C हब की, तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा आपको मिल जाता है, और इसकी कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो ये आता है दोस्तों टाइप सी पोर्ट की कनेक्टिविटी के साथ, इसलिए इसको USB C हब कहते हैं। और इसकी बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बेटर है बिकॉज ये एल्यूमिनियम के मटेरियल से बना हुआ है। पोर्ट्स एंड बटन्स के ऊपर आए तो इसके अंदर भी आपको 2 USB 3.0 के पोर्ट्स मिलते हैं, जो कि 5 Gbps तक के डेटा ट्रांसफर के सपोर्ट के साथ आते हैं। तो अगर आपको माउस, कीबोर्ड वगैरह कनेक्ट करना है, हार्ड डिस्क कनेक्ट करनी है या इवन पेन ड्राइव से लगाना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे USB टाइप सी का पोर्ट भी दिया गया है, जो कि USB 3.0 Gen 1 का पोर्ट है, और ये भी 5 Gbps तक के डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट कर लेता है। तो आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है जो टाइप सी की कनेक्टिविटी के सपोर्ट के साथ आता है तो उसे आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर पाएंगे। कोई गेमिंग हेडसेट है आपके पास, उसमें भी आपको टाइप सी का पोर्ट मिल रहा है, तो आप उसको यहाँ पे लगा लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है टाइप सी का PD चार्जिंग पोर्ट, जो कि 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर लेता है। तो अगर आप अपने डिवाइसेस को चार्ज भी करना चाहते हैं, उनको यूज करते टाइम चार्जिंग का कोई चक्कर ना पड़े, बैटरी की कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आप उसको चार्ज भी कर पाएंगे इस पोर्ट को यूज करके। अगले पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको SD कार्ड स्लॉट और माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी मिल जाता है। तो अगर आप वीडियोस वगैरह बनाते हैं, कैमरा यूज करते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना होता है एडिटिंग करते टाइम, तो डायरेक्टली आप अपने माइक्रो SD कार्ड या फिर
SD कार्ड को इस USB हब में इंसर्ट कर सकते हैं और डेटा ट्रांसफर की स्पीड भी आपको बहुत ही जबरदस्त देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़े तो यहाँ पे मिल जाता है हमें HDMI का पोर्ट। इसको यूज करके आप एक्सटर्नल मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं, फिर चाहे आप मैकबुक यूज कर रहे हैं या फिर लैपटॉप यूज कर रहे हैं या इवन टैबलेट भी अगर आपके पास है तो उसके भी डिस्प्ले को आप एक्सटेंड कर पाएंगे। रेजोल्यूशन की बात करें तो 4K 30Hz के रेजोल्यूशन तक को ये सपोर्ट कर लेता है और हमने भी यहाँ पे इसको कनेक्ट करके देखा, आराम से ये काम कर रहा था बढ़िया तरीके से। अगर आपको स्पेशली वीडियो एडिटिंग करनी होती है और बड़े मॉनिटर में आप एडिट करना चाहते हैं तो उसको भी अब आप एडिट कर पाएंगे इसको यूज करके। सो ओवरऑल जितने भी पोर्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं। तो दोस्तों आप भी डेफिनेटली प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं, एसर की तरफ से आते हैं, काफी रेप्यूटेड ब्रांड है एंड ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेंगे आपके लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। मिलेंगे नेक्स्ट एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।